Sir William Shakespeare has said, "All the world's a stage, and all the men and women are merely players. They have their exits and entrances, and in one life, a man plays many parts." Welcome to another fine episode of Inspiring Indians, featuring Shri Anish Manot, who is the brother of an inspiring Indian personality, Neerja Manot. Sir, welcome to the show. Thank you very much. Sir, how did Sudesh Sharma ji become a part of the Inspiring Indians? Well, he had to be part of the book. You can imagine a simple laborer, he's a son of a laborer, and he brought theater into Chandigarh. He really revolutionized the theater scenario in not only in Chandigarh, in the entire North India. And it was just fantastic. Sir, how did Sudesh Sharma ji bring theater to Chandigarh? Unki zindagi kaise bada interesting hai. He used to live very close to Tagore Theater, which is the main theater in Chandigarh. At that time, Tagore Theater was known as the Babuanga Theater. Because when the government department function was there, अपना वैरायटी प्रोग्राम कल्चरल प्रोग्राम करते थे. तो ये भाई साहब अपने बच्चों सारे बच्चे जाके उधर चले जाते शाम को. क्यों? उनको समोसा और चाय मिलता था उधर. लेकिन हुआ क्या कि दो पीपल देन स्टार्ट टेलिंग हिम कि छोटा रोल कर दो, दरबान बन जाओ, ये पकड़ के भाला, यू नो, चीज़ें पकड़ के खड़े हो जाओ उधर. तो इसमें उनका इंटरेस्ट शुरू हो गया. कहते हैं बड़े खुश होते थे, हमको बोलते थे जाओ पीछे ग्रीन रूम में जाके चाय दे के आओ जो एक्टर्स हैं उनको. और धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट हो गया, फिर रोल भी बड़ा बड़े मिलने शुरू हो गए और फिर हम थिएटर में टोटली इन्वॉल्व हो गए. पर कहते उस टाइम पे थिएटर चंडीगढ़ में ज़्यादा था नहीं. हमारे फैमिली वाले बोलते थे भांड का काम कर रहा है. तो ये भांड वाला मेरे दिमाग में बहुत अटक गया. क्यों? मैं देखा पूरे वर्ल्ड में इतना थिएटर चल पड़ा, हमारे चंडीगढ़ में क्यों नहीं है? तो कहता फिर हमने कंपनी शुरू की थिएटर फॉर थिएटर. उसमें हमने प्लेज करने शुरू किए, शेक्सपियर के प्लेज, अलग अलग प्लेज शुरू कर दिए. तो उस टाइम ऑडियंस होती नहीं थी, पैसे भी होते नहीं थे. तो कई बार हम स्टेज हमारा टेरेस, घर का टेरेस के ऊपर हम ये प्ले करते थे और लोग अपने अपनी सीटें साथ में लेके आते थे, चिताई चादरें लेके जाते थे, उधर बैठ के देखते थे. और सिंपल से बल्ब के ऊपर हम कटआउट रख के उसको फोकस लाइट करते थे. ऐसे दिन भी देखे हमने. कहता धीरे धीरे बढ़ता गया. पर उस टाइम क्या होता था, जब प्ले शुरू होने वाला है हम स्टेज के पीछे देखते थे कितने लोग बैठे हैं, 5, 10, 15 कितने बैठे हैं. और अगर नहीं बैठे होते थे फिर हम जाके पार्क में जाते थे, जो पास पास पार्क है, रिक्वेस्ट करते थे लोगों को प्लीज़ प्लीज़ कब आप प्ले देखा हमारा, टूरिस्ट आए तो उनको बोलते थे प्ले देखो. करते करते आज चंडीगढ़ हैज़ बिकम द बिगेस्ट थिएटर वेन्यू इन इंडिया. चंडीगढ़ में आज एक 30 डेज फेस्टिवल होता है, थिएटर फेस्टिवल, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग इन इंडिया. इवन दिल्ली द थिएटर इज ओनली फेस्टिवल इज ओनली 20 डेज. और ये सब हमारे को कैसे हुआ? गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ. वो बोलते हैं, जब मेरे को याद है कि जब आतंकवाद का टाइम था तो कहता हमको बोला गया कि अमृतसर के पास जाके एक प्ले स्टेज करना है. तो उधर गए तो 3-4 लोग आ गए, ओए इधर प्ले नहीं स्टेज करना है. तो हमने उनको बोला देखो भाई हमको करने दो, उसको देखने के बाद आप डिसाइड करना, बोलेंगे नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे. तो हमने प्ले किया उनके लिए, वो बहुत खुश हो गए, बोला हाँ प्लीज़ करो. इनफैक्ट उन्होंने हमारे को पैसे दिए उसके लिए कि तुम ये आप खाना खाओ इसके साथ और अच्छी तरह प्ले करा करो. सो ओवर द ईयर्स चंडीगढ़ थिएटर सिनेरियो हैज चेंज टोटली थैंक्स टू हिम, एंड कमाल के आदमी है. सर, व्हाट कैन द यूथ लर्न फ्रॉम सुदेश शर्मा जी लाइफ? सुदेश शर्मा जी का रोल बड़ा सिंपल है. वो बोलते हैं जैसे मैंने मेहनत की, सारे अगर मेहनत करेंगे तो सक्सेस उनका होगा ही होगा. कहते हैं फिक्र नहीं करने का. वो बोलते हैं पैसे नहीं कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करने का, कोई ना कोई आपको हेल्प करने आ जाएगा. और वही उनके साथ हुआ है. और आज इतने लोग थिएटर के लिए एंथुसियास्ट हैं चंडीगढ़ में और उनके आगे प्लेस देखते हैं कि मतलब कमाल हो गया. और उनकी फैमिली भी बड़ा सपोर्ट करती है उनको. उनकी वाइफ है मंजू शर्मा, शी इज़ वर्किंग द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. उनकी एक लड़की है कनिका और एक लड़का है गोपेश. कनिका इज ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व इन थिएटर. गोपेश भी सोच रहा कर लें. एंड मतलब कमाल के लोग हैं. How can people read about Sudesh Sharma ji's life and whatever he has done? इसके दो तरीके हैं. एक तो आप ये बुक इंटरनेट से खरीद सकते हैं थ्रू Amazon, Flipkart, एंड देयर इज अ साइट कॉल्ड sparringsuccess.com, इधर ले सकते हैं आप किताब. दूसरा तरीका है कि अगर आप लकी हैं और आप किसी कॉलेज या स्कूल से इन्वॉल्व हैं या स्टूडेंट हैं तो अपने लाइब्रेरी में जाइए, 99% किताब जरूर मिल जाएगी आपको. क्यों मिल जाएगी? क्योंकि हम ये फ्री किताब भेजते हैं 2500 स्कूल्स एंड कॉलेजेस को. क्यों भेजते हैं? ताकि बच्चे पढ़ लें, उसमें कुछ बोलें यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, दे गेट इंस्पायर्ड. एंड अगर कुछ भी कर दें
तो कमाल की बात है, कुछ साल बाद हम उनके बारे में लिखेंगे। और फंडिंग कैसे होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। 2,500 किताबें भेजना कोई फ्री बहुत मुश्किल काम है। ऊपर से ये बुक के वेट अबाउट 1.5 किलोज, तो कुरियर कॉस्ट ही मार जाता है। तो जो बुक के सेल होती है उससे हम ये किताबें फ्री भेजते हैं। सो दीज आर द टू वेज हाउ यू कैन गेट द बुक। राइट सर, आई वुड लाइक टू कोट वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग लाइन्स आई हैपन टू राइट इन वन ऑफ माई फिल्म्स, द डाइकोटमी ऑफ होप। इट सेड, जिंदगी और रंगमंच में कभी रीटेक्स नहीं होते। टू द ऑडियंस, जिंदगी और रंगमंच में कभी रीटेक्स नहीं होते। एक ही जिंदगी है, उसी में ही हमने कामयाब होना है, उसी में ही हमने सफलता देखनी, उसी में ही हमने डूबना है, उसी में हमने उठना है। सर, वट आई हैव लर्न फ्रॉम सुदेशजीज लाइफ एंड हियरिंग आउट फ्रॉम यू इज कि एक ही लाइफ है, उसी में ही जो करना है हम कर जाएं, डरना नहीं है बिल्कुल, बिंदास होके जियो और एंड सफलता आपके पास आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इंस्पायरिंग इंडियंस। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून।